Alright, so hey guys, once again, welcome back to another amazing video of Road Rasher Rishabh. So in front of me, this is Honda Dio BS6 compliant engine और अब Repsol edition में आने लगी है. So आज इसी का review करेंगे, जानेंगे इसके की specification, इसका price और क्या क्या इसमें देखने को आपको मिल जाता है. वैसे अगर एक वॉक राउंड लिया जाए तो इसमें काफ़ी कुछ आपको ग्लॉसी में, काफ़ी कुछ मैट में और काफ़ी कुछ कार्बन फाइबर फिनिश में देखने को मिल जाता है. जैसे ग्रैब्रिल्स के पास ये, वैसे तो ये टैंक यहाँ से भरा जाता है स्कूटी का, तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिल जाती है. आपको नीचे की साइड कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिल जाती है, इधर साइड में आपको मैट फिनिश में और बाकी इधर ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिल जाती है. तो ये Repsol एडिशन है. होंडा हॉर्नेट 160R में भी Repsol एडिशन आया, वो अभी शोरूम पे नहीं है, लेकिन जब भी होगी तो उसका भी वीडियो बनाएंगे. बाकी इसके बारे में बात करें तो Repsol में CVR ज़्यादा अच्छी लगती है, मार्क मर्क्यूस एडिशन. वेल, स्टार्ट करते हैं इस स्कूटी के बारे में जानना क्या क्या इसमें देखने को मिलता है. कि हेडलाइट LED कर दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है. बाकी आपको इंडिकेटर, नॉर्मल हैलोजन लाइट देखने को मिलते हैं, DRL आपको LED देखने को मिल जाता है. इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सोल के बारे में बात करें तो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सोल देखने को इसमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है. और यहाँ पे आपको ESP देखने को मिल जाता है, इंचेस स्मार्ट पावर, जो कि होंडा की तरफ से आता है. यहाँ पे जगह भी दी गई है इसमें थोड़ा सा अपना स्टफ रखने के लिए. स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो आपको मैक्सिमम पावर इसमें 7.65 BHP की देखने को मिल जाती है, जो कि 8000 RPM पर जनरेट होती है. मैक्सिमम टॉर्क इस स्कूटी का आपको 9 न्यूटन मीटर का देखने को मिल जाता है, जो कि 4750 RPM पर जनरेट होती है. BS6 कंप्लायंट इंजन के साथ ही आती है. टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, यू गेट 109.51 CC's सिंगल सिलेंडर. अगर हम बोर स्ट्रोक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बोर 47 mm का देखने को मिल जाता है और स्ट्रोक यहाँ पे 63.1 mm का देखने को मिल जाता है. 2 valve पर सिलेंडर आपको देखने को मिल जाता है. टॉकिंग अबाउट द कंप्रेशन रेशियो, तो 10.0+0.2 कंप्रेशन रेशियो देखने को मिल जाता है CDI इग्निशन के साथ. टॉकिंग अबाउट द कूलिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आपको फैन कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है, जो मोस्ट ऑफ द स्कूटीज में यही आता है. आपको ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है. ट्रांसमिशन टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ आपको V-matic ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है. क्लच आपको ऑटोमेटिक इसमें देखने को मिल जाता है. फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है. और अगर राइडिंग रेंज के बारे में बात करें तो 95.4 किलोमीटर की राइडिंग रेंज देखने को आपको मिल जाती है. माइलेज के बारे में बात करें तो 18-20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को आपको मिल जाती है. बात करें इसके ब्रेक्स के बारे में तो दोनों में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं. फ्रंट ब्रेक साइज आपको 130 mm का देखने को मिल जाता है. और अगर हम रियर ब्रेक साइज के बारे में बात करें तो आपको रियर ब्रेक साइज भी 130 mm का देखने को मिल जाता है. बाकी आपको यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है इसके ड्रम ब्रेक्स में. अगर हम फ्रंट व्हील साइज के बारे में बात करें तो 12 inches का फ्रंट व्हील साइज है. रियर टायर की बात करें तो रियर टायर 10 inches का आपको देखने को मिल जाता है. टॉकिंग अबाउट द फ्रंट टायर साइज, तो फ्रंट टायर साइज आपको 90x19 1254J का देखने को मिल जाता है. और यहीं पे रियर टायर साइज के बारे में बात करें तो 90x100 1053J का देखने को मिल जाता है. ट्यूबलेस टायर देखने में को आपको मिल जाता है, आपको रेडियल टायर्स इसमें देखने को नहीं मिलते हैं. व्हील टाइप आपको अलॉयज देखने को इसमें मिल जाते हैं. टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है. और रियर सस्पेंशन 3-step एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक्स देखने को मिल जाते हैं. अगर हम इसका कर्व वेट के बारे में बात करें तो 105 kg का कर्व वेट है. ओवरऑल लेंथ आपको 1808 mm की देखने को मिल जाती है. ओवरऑल ब्रिथ 723 mm की देखने को मिल जाती है. और ओवरऑल हाइट के बारे में बात करें तो 1150 mm की देखने को मिल जाती है. अगर हम लोग इसके व्हील बेस के बारे में बात करें तो 1260 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है. अगर बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 160 mm की देखने को इसमें मिल जाती है. अगर हम चेसिस टाइप के बारे में बात करें तो इसकी चेसिस अंडरबोन चेसिस टाइप है. टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, तो क्या क्या इसमें आपको देखने को मिल जाता है, तो CBS आपको ब्रेकिंग में देखने को मिल जाता है. आपको अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिल जाती है. AOH इसमें आपको देखने को मिल जाता है. ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन. अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके यहाँ पे बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 3AH बैटरी है. और इधर की तरफ बात करें तो आपको स्टेप सीट नहीं देखने को मिलती है, आपको सिंगल सीटर पूरी देखने को मिलती है. अब इसके स्पीडोमीटर में देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या फीचर्स देखने को आपको मिल जाते हैं. तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी लाइट देखने को मिल जाती है. आपको लो फ्यूल, हाई फ्यूल इंडिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है. यहाँ पे स्पीड देखने को मिल जाती है. यहाँ पे एवरेज किलोमीटर पर लीटर का देखने को मिल जाता है, जो कि स्कूटी में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. बाकी इसको दबाएंगे तो यहाँ पे राइडिंग रेंज आपको देखने को मिल जाती है. यहाँ पे ओडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है. ट्रिप मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है. और किलोमीटर पर लीटर, ये जब आप स्कूटी को चलाएंगे तब आपको समय देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है. दिस इज़ फॉर लेफ्ट वन एंड दिस इज़ फॉर राइट वन. बाकी आपको यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टेड देखने, फ्यूल इंजेक्टर का इंडिकेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है. यहाँ पे पास
लाइट, और यहाँ पे आपको बगल में साइड स्टैंड देखने को मिल जाता है। और ये रहा इसके फ्रंट DRL। जब स्टार्ट करते हैं ये रहा इसके फ्रंट DRL और ये रही टेल लाइट, ये रही नाइट मोड में, ये रही इसकी पास लाइट। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। फ्रंट आपको LED देखने को मिल जाती है लाइट। और अगर हम बैक के बारे में बात करें तो बैक आपको नॉर्मल लाइट देखने को मिल जाती है। अगर इसके हैंडल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पास लाइट देखने को मिल जाती है, ये डे लाइट, और ये रही नाइट लाइट पे। ये रहा टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न। और अगर इधर बात करें तो यहाँ पे एक स्विच में आपको दो चीज़ देखने को मिल जाती है, ये रहा किल स्विच और यही इग्निशन का स्विच है। बाकी अगर इधर साइड आए की तरफ तो यहाँ पे आपको शट ओपन और क्लोज का देखने को मिल जाता है, जो कि है होंडा की स्कूटीज में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लॉक, यहाँ पे ऑफ, और इधर पे जैसे ऑफ से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फ्यूल और सीट का है। अगर हम लोग इधर फ्यूल पे दबाएंगे तो यहाँ पे फ्यूल कैप खुल जाएगी, यहाँ से इसमें फ्यूल जाएगा। और 5.3 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसको करते हैं क्लोज। अगर इसकी सीट ओपन करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 18 लीटर्स की कैपेसिटी देखने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप अपना हेलमेट भी इधर रख सकते हैं और बाकी के इधर साइड पे स्कूटी के पेपर्स इधर दोनों साइड पे, बाकी और भी स्टफ हेलमेट के अलावा और भी स्टफ रख सकते हैं इधर। तो 18 लीटर्स की स्टोरेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सीट के नीचे। स्टार्ट में बात करें तो यहाँ पे आपको किक और सेल्फ दोनों ही देखने को आपको मिल जाएगी। आप किक से भी स्टार्ट करते हैं, आप सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप साउंड सुनते हैं इस स्कूटी की। स्कूटी की साउंड। और कलर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो कलर्स इसमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा। वैसे इसमें आपको कलर्स बहुत सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे। पहला है स्पोर्ट्स रेड, दूसरा है कैंडी जैजी ब्लू, तीसरा है वाइब्रेंट ऑरेंज, फोर्थ वन इज मैट एक्सिस ग्रे, फिफ्थ वन इज डेजलिंग येलो मेटेलिक, मैट एक्सिस अगेन मैट एक्सिस ग्रे, एंड देन मैट सेंगेरिया रेड, एंड देन रेप्सल जो कि ये है। तो आपको इसमें कलर एडिशन बहुत देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो स्टैंडर्ड डियो जो आती है ऑन रोड प्राइस वो 78,000 की है। बाकी एक DLX मॉडल आता है डियो का, वो 82,000 का है। और रेप्सल एडिशन के बारे में बात करें तो रेप्सल एडिशन आपको पड़ेगा 84,000 का, ऑन रोड प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि कानपुर में चल रहा है। बाकी जिस शोरूम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है वीडियो बनाने की, सो एक्सिस होंडा फजलगंज ने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझको यहाँ पे वीडियो बनाने की। और बाकी आपको होंडा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। शोरूम की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। सो विज़िट करिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। बाकी ये वीडियो यहाँ से एंड करते हैं। और अगर कोई भी क्वेरीज हो इस स्कूटी से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, या तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।